प्रतापगढ़ में भू माफियाओं के दो पक्षों में गोली चलने से हड़कंप मच गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल हो गए। दरअसल मामला नगर कोतवाली के दलियामऊ चांदमारी का है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक पक्ष के राम पांडे को पेट में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस दौरान दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। वहीं गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही मौके पर पहुंचे एसपी अभिषेक सिंह ने मामले में लापरवाही बरतने पर सिविल लाइन चौकी इंचार्ज चंद्रशेखर यादव को सस्पेंड कर दिया। दो पक्ष हैं, एक अंजनी शुक्ला आनंद तिवारी साहब तिवारी और राहुल तिवारी का पक्ष है, और दूसरा पक्ष है लक्ष्मण पांडे, राम प्रसाद पांडे और सुभाष सैनी और शुभेंद्र तिवारी दूसरे पक्ष में है। इन दोनों के बीच में जो है प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ विवाद था, क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी का एक काम साथ साथ देखते थे, तो ये पांडे राम लक्ष्मण पांडे ये सब उनका शायद सब ब्रोकर थे, तो लेन देन को लेकर के इनका विवाद हुआ है, तो उसी में फायर किए हैं। तो एक राम पांडे को थोड़ा चोट ज़्यादा है और बाकी को जो है कम चोटें हैं, तो इनको यहाँ से रेफर करा दिया गया है सोलग्रामी अस्पताल, और इसमें हम गहराई से जाँच कर रहे हैं और विधिक कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे।